मौलाना कल अगर चांद दिख जाए तो आवाम को क्या करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान कल चांद दिखे न दिखे, जब रोज़े 30 पूरे हो जाते हैं तो वो रात को लोग खरीदी में, ईद की तैयारी में लग जाते हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि साल भर में 5 रातें ऐसी हैं जिसमें जो मांगे मिल जाता है, लेकिन हमारी कल कम इल्मी की वजह से या हमारी मालूमात ना होने की वजह से हम लोग वो रातों को ऐसे गुजार देते हैं आम रातों की तरह। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि साल भर में 5 रातें हैं, पहली रात शबे बरात, दूसरी रात शबे कदर, तीसरी रात लैलतुल जायज़ा ईद उल फित्र की रात, यानी सुबह में ईद होती है उस दिन रात में उसको कहते हैं लैलतुल जायज़ा, और एक रात है अरफे की रात यानी 9 मुहर्रम की, 9 ज़िलहज्जा की, 9 ज़िलहज्जा की रात जो है तो अरफे की रात, और 10 मुहर्रम की रात यानी आशूरा की रात, जिस दिन आशूरा होता है यानी मुहर्रम की 10 तारीख को आशूरा कहते हैं, तो वो रात यानी 5 रातों में खुसूसी तौर पर अल्लाह ताला की यानी इनाम, रहमत, बरकत हर चीज़ उस रात में मिलती है, लेकिन आम लोग समझ नहीं पाते और वो आम रातों की तरह उसको गुजार देते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ईद की जो रात होती है ईद उल फित्र की, उस रात में जैसे कि शबे कदर में कुरान ने कहा कि उस रात में फरिश्ते हज़रत जिब्राइल आते हैं, फरिश्तों के साथ आते हैं, और फरिश्तों के साथ आने के बाद उनका काम ये रहता है कि वो लोगों से मुसाफा करते हैं और सलाम करते हैं, लेकिन इंसानों और जिन्नातों के अलावा पूरी दुनिया की मखलूक उस रात में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और फरिश्तों को देखती है। यहाँ तक कि फरमाया कि उस रात शजर हजर हर चीज़ सजदा रेज़ हो जाती है, बड़े बड़े जो दरख्त होते हैं वो दरख्त भी ज़मीन पर गिर जाते हैं, लेकिन ये अहले कशफ का मामला है, अल्लाह के सिवा किसी को यानी हम देख नहीं सकते, हमारी आँखें नहीं हैं, हम उस दर्जे तक नहीं पहुँचे, वरना अल्लाह वालों को नज़र भी आ जाता है। बताने का मकसद ये है कि हम लैलतुल जायज़ा को इबादत की रात और ख़ास तौर पर मांगने की रात, क्योंकि उस दिन अल्लाह बड़े खुश होते हैं कि साल भर के 30 रोज़े लोगों ने रख लिया, और रात में जो है अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आकर ऐलान करवाते हैं कि है कोई मांगने वाला जिसको मैं दूँ, है कोई बीमार जिसको शिफा अदा करूँ, है कोई रिस्क का तलब करने वाला जिसके रिस्क में बढ़ोतरी करके उसको बरकत वाला रिस्क दूँ, है कोई परेशान हाल जिसकी परेशानी दूर करूँ, यानी ये ऐलानात होते हैं आसमानों में, लेकिन लोग सो जाते हैं अपने घरों में या फिर बाहर फिरते हैं कोई टेलरों के यहाँ, कोई दुकानों पर, कोई शॉपिंग मॉल में, और बच्चे स्टाइल में और बड़े बूढ़े भी जो रहते हैं वो गप्पा शप्पा में ईरान तुरान की चलती, तो ये सारी चीज़ें छोड़कर हमको वो रात भी जैसे शबे कदर का अहतमाम करते हैं हम। हालांकि शबे कदर के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया 5 तात रातों में कोई भी रात में शबे कदर हो सकती है, और हम लोग एक रात मना लेते हैं और सोचते हैं कि उसी रात में अल्लाह ने कर दिया, हालांकि ऐसा नहीं है। फरमाया कि ये आशूरे का जो एहतिकाफ होता है वो सिर्फ और सिर्फ शबे कदर की तलाश का मकसद होता है उसका, लेकिन हम लोग उसको भी एक ही रात में समझ ले कि हो गया पूरा, लेकिन होना ये चाहिए कि हम 5 ताक रातों में शबे कदर को तलाश करें। और लैलतुल जायज़ा, लैलतुल जायज़ा के माना ये है कि वो बंदे जिन्होंने रोज़ा रखे और सुबह फित्रा की रात यानी दिन आने वाला है ईद उल फित्र की, और ईद उल फित्र के माना आते हैं खोलने के, कि हमने अपने रोज़ों को खोल दिया, आज तक हम रोज़ा रख रहे थे आज हमने रोज़े अपने खोल दिए, और उस ईद उल फित्र की वजह से जो है अल्लाह खुश होते हैं, और ईद उल फित्र की 2 रकात जो नमाज पढ़ी जाती तो नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह आम माफ़ी का ऐलान कर देते हैं कि जितने लोग यहाँ आए हैं, जितने लोगों ने रोज़ा रखा, जितने लोगों ने तरावी पढ़ी, जितने लोगों ने तिलावत की और जितने लोगों ने रियाजत और इबादत की, मैं उन सबको माफ़ कर देता हूँ, और ये आज ऐसे वो अपने घरों को लौट रहे हैं जैसे अपनी माँ के पेट से आज ही पैदा किए। और ईदगाह की जो है
10 सुन्नतें हैं, यानी कई चीज़ें हैं, उसमें से मुख्तसर ये है कि ईद के दिन जो है गुसल करें, खुशबू लगाए, बेहतर से बेहतर जोड़ा पहने, ईद को जाते वक्त जो है एक रास्ते से जाए, वापसी में दूसरे रास्ते से आए, और अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वल्लाहि अलहम्द पढ़ते हुए जाए, और ये सोच कर जाए कि हम अल्लाह के यानी रहमत और बरकत हासिल करने के लिए ईदगाह पर जा रहे हैं। तो आज हम इस बात का ख्याल रखें कि 30 जब रोजे पूरे हो जाते हैं तो वो रात को लैलतुल जायजा कहते हैं, 29 को चांद नजर आ गया, चांद रात को लैलतुल जायजा कहते हैं ईद उल फित्र की रात को, और ईद उल फित्र की रात को हुक्म है कि हम मस्जिद ही में अल्लाह की इबादत रियाजत और तिलावत में गुजारें, और नमाज और तौबा तिल्ला खुदा से करके जो है नमाजों को अदा करें, नफिल पढ़ें, और अपनी बकिया जो नमाजें हैं तो वो नमाजों का भी अहतमाम करें, और खुसूसी तौर पर अपने वालिदैन की उम्र को बढ़ाने के लिए दुआ करें, और अपने औलाद की अल्लाह हमको आंखों की ठंडक बनाए इस तरह की दुआ करें, और जो मरहूमिन है उनके लिए दुआएं मगफरत करें, क्योंकि हदीस में आता है कि जो लोग जिंदा होते हैं तो जिंदों का इंतजार करते हैं मरने वाले अपने कब्रों में, और वो रूह इंतजार करती है उस सवाब की नीयत से। तो एक बात है कि अगर नेक औलाद है तो वो नेक औलाद भी जो है बायसे बरकत है और बायसे नजात है। तो तमाम हजरात से मेरी एक ही गुजारिश है कि लैलतुल जायजा को इधर उधर न गुजारते हुए कम से कम एहतमाम करें कुरान पढ़ने का, तिलावत का, जिक्र का, अज़कार का, दुआओं का। और लोग ये कहते हैं भाई इकट्ठे का कोई बिदत होगी, बिदत नहीं, आज के दौर में जो है सारे लोग मोबाइलों में लगे हुए हैं, सारे लोग एक दूसरे को गप्पा शप्पे में लगे हुए हैं। तो मेरी तमाम ईमान वाले भाइयों से मेरी गुजारिश है कि लैलतुल जायजा को पूरी तरह जो है अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में, कुरान की तिलावत में, और अल्लाह के लिए नमाज और अपने आखिरत का तोशा बनाने की कोशिश करें। इतना कहकर मैं अपनी बात करूँ। मौलाना, ईद को जाने से पहले तो क्या चीज़ खाना चाहिए ईद के नाम से? एक बहुत अच्छी बात बताया आपने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम भी है कि ईद को जाने से पहले मीठी चीज़ खाएं और ताक अदद खाएं, एक खाएं, तीन खाएं, पाँच खाएं, सात खाएं, और अगर खजूर मिल जाए तो खजूर खाना सुन्नत नबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने के लिए जाते तो खजूर खाकर ही जाते थे। तो ईद उल फित्र से पहले तो आदमी को क्या ईद सदके फितर किस तरह देना चाहिए? असल में हर वो शख्स जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है उसके ऊपर फितरा वाजिब है, और फितरा ये जो है 1.25 किलो गेहूँ या उसकी कीमत वो अदा कर दे ईद पर जाने से पहले। और असल में ईद उल फित्र का माना ये है कि हमारे गरीबों की जैसे रोजे हैं, और रोज़ा रखवा कर अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि मालदारों को ये चाहते हैं कि तुम जो खाने पीने में बिल्कुल बेफिक्री से खाते हैं लेकिन तुम भूखा रहकर देखो जो गरीब लोग हैं वो कैसे भूखे रहते हैं और वो कैसे बर्दाश्त करते हैं। तो ये एक सबक है अल्लाह की तरफ से, और फितरा अपनी जान का सदका है। तो जो लोग साहिब ज़कात है उन पर वाजिब है कि वो फितरा अदा कर ले ईद पर जाने से पहले, और अगर कोई पहले भी अदा कर दे कि भाई गरीब है अपने महल्ले के उन तक पहुंचा दे, और लोग आने के इंतजार ना करें बल्कि सदका है, अतिया है, ज़कात है, हदिया है और फितरा है, ये पहुंचाना चाहिए। लोग इंतज़ार करते कि भाई आएंगे तो हम दे देंगे, नहीं, बल्कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे पर ज़रूरी है कि ये पहुँचाए। ईद उल फित्र पर जाने से पहले हमारा फितरा अदा हो जाए। मौलाना, सदके फितर में अनाज के अलावा और क्या क्या चीज़ दे सकते? असल में फितरा जो है अनाज, आजकल हमारे हिंदुस्तान में जो है तो गेहूँ, चावल और जो खाने की चीज़ें हैं वो ही देते। हालांकि होना तो ये चाहिए कि एक आदमी अगर मालदार है और उसकी हैसियत है कि वो किशमिश भी दे सकता है अपने बच्चों की तरफ से, तो किशमिश जो है फितरे में अदा करे। अगर वो अपनी तरह उसके पास इतनी हैसियत है कि वो बेहतर से बेहतर चीज़ फितरे में दे सकता है खाने पीने की, तो जैसे खजूर है और किशमिश है और जो भी कीमती चीज़ है वो भी दे सकता है, क्योंकि जैसा देगा, जैसे उसकी नीयत होगी वैसे अल्लाह उसको सवाब देगा।